हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 के इस लेक्चर सीरीज के अंदर लास्ट लेसन में हमने देखे थे अम्ल क्षार के सामान्य गुण। अब बात करने वाले हैं हम अम्ल क्षारों और लवणों के उपयोग के बारे में, ठीक है ना। इसके जस्ट बाद आपका एक टॉपिक आएगा इम्पोर्टेंट, पीएच स्केल, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अच्छी खासी होती है, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं अम्लों के और क्षारों के उपयोग से। तो हम वन बाई वन करके सबको लिखेंगे, मैं यहाँ पे बोलूँगा और कोई पॉइंट समझाने वाला आएगा तो उसको समझाऊंगा, बाकी ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, सही है ना। चलिए, तो आप हेडिंग डाल सकते हो अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग में पहला उपयोग है, आप लिखिएगा H2SO4, HCl और HNO3, है ना, जो आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, को इनको क्या कह सकते हैं हम, इनको खनिज लवण, खनिज अम्ल भी बोलते हैं, मिनरल एसिड भी इनको बोलते हैं। इनका उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे औषधि, पेंट, उर्वरक आदि में किया जाता है, ठीक है ना। औषधियों के निर्माण में, पेंट यानी जो हम कलर वगैरह करते हैं उनमें, और उर्वरक निर्माण में किया जाता है। पहला उपयोग तो ये हो गया। क्या हो गया, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 को क्या कहते हैं हम, खनिज अम्ल भी कहते हैं। इनका उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे उर्वरक, औषधि और पेंट आदि में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसका उपयोग सिंक, है ना, और सैनिटरी जो पार्ट्स होते हैं उनको साफ करने के लिए किया जाता है। HCl हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तेजाब, एक जैसे तेजाब की तरह होता है, तो उसका उपयोग जो हमारे पार्ट्स होते हैं सिंक, सैनिटरी वगैरह, इनको साफ करने के लिए किया जाता है। दूसरा है आपका HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है, इसका उपयोग उर्वरक बनाने में, चांदी और सोने के गहनों को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। हम जो हमारे पुराने जो गहने होते हैं उनको साफ करवाने के लिए बाजार में लेके जाते हैं, तो वो क्या है, उसको नाइट्रिक अम्ल से साफ करते हैं, उसके बाद में वो उन पर एक नई चमक आ जाती है, जो पहले का कालापन होता है वो दूर हट जाता है, ठीक है ना। और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग स्पेशली किसमें किया जाता है, आपके उर्वरक यानी कि जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स आते हैं, रासायनिक खाद जो आते हैं, उन पर आप देखना आपको लिखा मिलेगा नाइट्रिक एसिड, HNO3 लिखा होता है, क्योंकि भूमि के उपजाऊपन के लिए नाइट्रोजन की काफ़ी अच्छी खासी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, HNO3 जो उर्वरक आते हैं उनमें नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक नंबर बन सकता है, कि जो अम्ल राज हम यहाँ पढ़ेंगे, नाइट्रिक अम्ल है ना, HNO3 और HNO3 है ना प्लस HCl, इनके 1:3 1:3 के भाग को हम क्या कहते हैं, अम्ल राज कहते हैं, यानी कि HNO3 का एक भाग और HCl का 3 भाग मिलाकर जो आपका बनेगा मिश्रण, उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल राज कहते हैं। और अम्ल राज की खास बात क्या होती है कि इसमें क्या होता है, सोने जैसी धातु भी विलय हो जाती है, ठीक है ना, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक तरीके से हो जाता है ये तेजाब की तरह, तो इसमें काफ़ी आपकी जो मेटल है सॉलिड, सोना, चांदी, इस तरह की, अगर उनको आप डुबाओगे तो वो बिल्कुल पिघल जाएंगी, यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगी, द्रव अवस्था में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि अम्ल राज किसे कहते हैं, है ना, तो अम्ल राज इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल का एक भाग और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग से मिश्रण जो तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल राज कहते हैं। आपको ये याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पे HNO3 में 3 है और इधर HCl में 1 ही है, ये है ना, तो इसका अपोजिट है, जो 3 वाला उसका 1 भाग और जो 1 है उसका 3 भाग, ऐसे इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, इसका उपयोग सेल है ना, जो हमारे सेल आते हैं उनके अंदर, कार की बैटरी आदि उद्योगों में किया जाता है ना। नेक्स्ट है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अम्लों का राजा कैसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और
जो अम्ल राज है इसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं और उनका कितना प्रतिशत भाग होता है वो भी याद रखोगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि जो हमारा एसिटिक अम्ल है ना, शुरू शुरू हमने देखा था CH3COH, एसिटिक अम्ल का उपयोग अचार है ना, आपके जो मुरब्बे होते हैं उनमें खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है ना। तो क्या पॉइंट लिखोगे, एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरके के रूप में अचार मुरब्बे एवं कई खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने में किया जाता है, जिससे हमारे ये क्या है खराब नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये कितने पॉइंट थे, टोटल 6 पॉइंट थे, आप इनको एक जगह नोट करके लिखिएगा, इनको बार बार पढ़ते रहिएगा जिससे आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दो थे इसमें, कौन कौन से कि अम्लराज किसे कहते हैं और अम्लों का राजा कौन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए H2S4, ठीक है। नेक्स्ट है आपके क्षारों के उपयोग, तो अम्लों के पढ़ लिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप क्षारों के उपयोग। क्षारों का उपयोग पहला पॉइंट देखिए, क्षारों का उपयोग कई उद्योगों जैसे कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, साबुन उद्योग में प्रमुखता से किया जाता है। इनमें NaOH का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है, यानी कि जो आपका कई उद्योग है, कागज उद्योग है और आपके कपड़ा उद्योग है, साबुन उद्योग आदि में कई क्षारों का उपयोग किया जाता है, लेकिन NaOH का उपयोग जो है वो प्रमुखता से किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, क्षारीय एक है ना, ये देखा था हमने एग्जांपल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। देखिए दोस्तों, अपन ने अभी इससे पहले क्या पढ़े थे, क्षारों के सामान्य गुण पढ़े थे, उसमें एक पॉइंट पढ़ा था कि उसमें क्या पढ़ा था हमने कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये क्या है आपका क्षार है, ठीक है। और अगर मिट्टी में आपकी अम्लता है तो उसको क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा, क्योंकि अम्ल में अगर अपन क्षार डालेंगे तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, तो वो क्या करता है उसकी अम्लता को कम कर देता है या खत्म कर देता है। तो अगर आपकी मिट्टी में अम्लता ज्यादा बढ़ जाती है, अगर आप किसी मिट्टी की जांच करवाते हो उसके बाद में अगर उसको किसी जो आपके कीटनाशक दवाई वगैरह देते हैं उनको अगर मिलोगे तो वो आपके लिए क्या बताएंगे, अगर आपकी मिट्टी में अम्लता ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए फिर आपको क्षार से रिलेटेड जो आपके खाद है और उर्वरक वगैरह उनको सजेस्ट करेंगे, उनको देंगे आपके लिए। तो COH का होल्ड ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है आपका क्षार है, MgOH का होल ट्वाइस, इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। MgOH का होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह किसके रूप में उपयोग किया जाता है, यह प्रति अम्ल के रूप में पेट की अम्लता और कब्ज को दूर करने में उपयोग में लिया जाता है, कौन, MgOH का होल ट्वाइस, किसके रूप में उपयोग किया जाता है इसका, प्रति अम्ल, यानी कि हमारी जो एसिडिटी हो जाती है पेट के अंदर उसको दूर करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में, जिसको हम बोलते हैं एंटासिड, है ना। क्योंकि देखो अम्लता अगर ज्यादा हो जाती है उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्षार का यूज करते हैं, क्योंकि क्षार जैसे डालेंगे तो उसका जो अम्लीय गुण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, पेट की अम्लता और कब्ज को दूर करने के लिए। तो आपसे एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, या ऐसा आ सकता है कि पेट की अम्लता को या फिर आपके कब्ज वगैरह को दूर करने के लिए कौन से क्षार का उपयोग किया जाता है, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बस इसके बारे में। ये अगला देखिए, लवणों के उपयोग, लवणों के हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोग हैं जिनको आप पॉइंट वाइज लिखते चलिए। सुनिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग
धातु कर्म में, लोहे के निष्कर्षण में और सीमेंट बनाने में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा किसमें होता है, जो हमारे मार्बल होते हैं उसके अंदर भी होता है ये, तो फर्श वगैरह बनाने के लिए हम उसमें यूज करते हैं। कई हमारी टाइल्स वगैरह भी बनाई जाती है इससे, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और लोहे के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए जितनी भी धातुएं हम प्राप्त करते हैं ना, वो ज़्यादातर हमें अयस्क के रूप में मिलती हैं। और अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क में क्या होता है, धातु संयुक्त रूप में उपस्थित होती हैं। ऐसे हमको लोहा एक ऐसे कहीं नहीं मिलता कि लोहा हमने निकाल लिया और उसको काम में ले लिया। लोहा कई और चीज़ों के साथ में मिलता है जिसको हम उनको अलग अलग करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण, जिसमें धातु धातु को अलग कर लिया जाता है और बाकी चीज़ों को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसके निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट रोल किसमें है इसका? सीमेंट निर्माण में, सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। जो AgNO3 होता है आपका, Ag किसे कहते हैं अपन? सिल्वर को। अर्जेंटम होता है इसका लैटिन नाम AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पहले फोटोग्राफ हमारे क्या है, आपने देखा होगा कई पुरानी वीडियो वगैरह आपने कभी देखी होगी, तो पहले फोटो क्या बनते थे, एक नेगेटिव आता था, आपने कभी देखा होगा, फिलहाल तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, रील आती थी, उनको एक लिक्विड में ऐसे साफ किया जाता था। जब फोटो तैयार किए जाते थे तो उस टाइम पे ऐसा यूज किया जाता था AgNO3 का। ठीक है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फिटकरी। फिटकरी का उपयोग जल के शोधन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जल के शोधन में किया जाता है। देखो आपने छोटी क्लासों में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि हम फिटकरी को जब किसी गंदे जल में या मटमैले जल के अंदर आप डुबोते हो उसको ऐसे धागे में लगा के और उसको घुमाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ देर बाद जो मिट्टी होती है या जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं वो नीचे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और ऊपर का पानी साफ हो जाता है, है ना। तो ये फिटकरी जो होती है हमारी, फिटकरी क्या है? एक लवण है, है ना, K2SO4.Al2SO4 का होल्थ्राइस.24H2। जब हमने क्रिस्टलन जल पढ़ा था उसमें देखा था इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, याद है ना आपको कि धावन सोडे के अंदर कितने होते हैं क्रिस्टलन जल के अणु? 10। और फिटकरी के अंदर कितने होते हैं? 24। ठीक है ना, तो जो फिटकरी होती है उसका उपयोग जल के शोधन में किया जाता है। तो गाइज यहाँ तक क्या है, आपने तीन चीज देखी, अम्लों के उपयोग देखे, क्षारों के उपयोग देखे और लवणों के उपयोग देखे, ठीक है ना। तो इनमें कुछ नहीं है, बस एक बार आपको जगह पर लिख लेना है, उसके बाद में बस जैसे जैसे आपको कभी टेस्ट है या हाफ ईयरली एग्जाम है तो उससे पहले एक बार इनका रिविजन करना है, है ना। इसमें ऐसा कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं थी कि कोई कॉन्सेप्ट हो, बस हमें ये आपको बता दिए, आपको याद ही करने पड़ेंगे, सही है। और अब आएगा इसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पीएच स्केल, जिसको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से और इम्पोर्टेंट भी है वो, ठीक है। और वहाँ पे एक फॉर्मूला है और लॉग हम देखेंगे, शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो, सुना ना हो लॉग, वो भी देखेंगे। तो इनको एक बार अच्छे से कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पीएच स्केल के साथ। ओके, थैंक यू।